आप देख रहे हैं TNB। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, लेकिन 1942 में 11 अक्टूबर को इलाहाबाद में एक ऐसा सितारा पैदा हुआ था जिसकी एक्टिंग के दीवाने पुराने दौर के लोग तो हैं ही, उन्होंने अपनी एक्टिंग से आज की पीढ़ी को भी दीवाना बना लिया है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन आज अपना स्पेशल दिन मना रहे हैं। जी हाँ, आज वो 79 साल के हो गए हैं। अपने इस जर्नी में उन्होंने कई पड़ाव देखे हैं। बिग बी की ये जर्नी जानने के बाद आज की पीढ़ी भी उनकी कायल है। आप सभी को बता दें कि मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के घर में चिराग बनकर पैदा हुए अमिताभ बच्चन। वो अपनी माँ तेजी बच्चन से बेहद प्यार करते थे। बचपन से इंजीनियर और एयरफोर्स में जाने का सपने को छोड़कर बिग बी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन शुरुआती दौर में एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज बॉलीवुड के शहंशाह बन गए। अमिताभ बच्चन ने 7 हिंदुस्तानी से बॉलीवुड के अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन सफलता का स्वाद चखने के लिए उन्हें 12 फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन के करियर को बदल दिया। बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन का इजाद हुआ, कॉमन मैन का गुस्सा बिग बी के किरदारों में देखने को मिला। उन्होंने रोमांस किया, एक्शन किया और कॉमेडी की, यहाँ तक कि कुछ संवेदनशील रोल भी प्ले किए। साथ ही फिल्मी दुनिया में शूटिंग के वक्त कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमेशा याद रह जाती हैं। ऐसा ही कुछ ऐसा किस्सा अमिताभ के साथ भी हुआ, जिसका खुलासा द कपिल शर्मा के शो में हुआ है। फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान ने बिग बी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा था। एक्ट्रेस ने वो किस्सा याद करते हुए बताया था कि उन्होंने अमिताभ से मजाक में कहा कि मैं आपको जोर का थप्पड़ लगाने वाली हूँ, और शूट के समय सच में उन्हें जोर से थप्पड़ पड़ गया। अमिताभ के रिएक्शन से वहाँ मौजूद सभी को समझ में आ गया था कि उन्हें थप्पड़ जोर से पड़ा है। वहीं शूट के बाद अमिताभ वहीदा रहमान के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, वहीदा जी काफी अच्छा था। वहीं आज अमिताभ बच्चन जिस मुकाम पर हैं, वहाँ तक पहुँचने की कल्पना करना भी किसी के बस की बात नहीं। वो लगातार फिल्में विज्ञापन कर रहे हैं। कोरोना को मात देने के बाद वो फिर से काम में जुट गए हैं और फिर से अपने पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।